एक गांव में एक गरीब व्यक्ति आता है और वो बहुत भूखा रहता है। उसी गांव में एक चंदा नाम की औरत थी जो कि बहुत दयालु थी। उसने उस गरीब व्यक्ति को अपने घर लाकर बिठाया। बोलो भाई, तुम क्या खाना चाहोगे? इस आदमी का नाम धनु था। धनु सोचते हुए बोला, बहना तुम मुझे कुछ भी खिला दो। बहना नाम सुनते ही चंदा खुश हो गई, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। भैया मैं अभी आती हूँ। ठीक है बहना, मैं रुकता हूँ, पर जल्दी आना। फिर चंदा पीतल के बर्तन में भरकर दूध ले आई। भैया आपके लिए दूध लाई हूँ, दूध पी लीजिए। फिर चंदा धनु को दूध परोस कर देती है और धनु दूध को पीने लगता है। तभी उस धनु का नजर एक जमीन पर पड़ी हुई बैगन पे पड़ी। धनु उस बैगन को बहुत ध्यान से देखा, फिर चंदा बहन को देखा और बोला, अरे चंदा बहन, क्या तुम मुझे इस बैगन का चटनी बनाकर दोगी? ये बैगन दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तो खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। अरे भैया आप परेशान मत होइए, मैं अभी ला कर देती हूँ। फिर चंदा पीपल के पत्तियाँ पर बैगन की चटनी बनाकर देती है। फिर धनु मजे से खाता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों ये बहन नहीं, मेरे लिए साक्षात भगवान थी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।